अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली मुमताज डिजिटल और मैं हूँ आपका मेज़बान शिराज हुसैन। नाज़रीन, आज रेस्क्यू टीम ने आन टीवी यानी डेली मुमताज डिजिटल का विजिट किया है। यहाँ पे स्पेशली इन्होंने ट्रेनिंग दी है, तो इमाद साहब हमारे साथ मौजूद है जो ट्रेनिंग ऑफिसर है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर ट्रेनिंग तो माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त देते हैं आप, तो मुझे बताइएगा सर कितने ऑपरेशंस पे आप गए, कितने इंसिडेंट्स और हादसे को आप लोगों ने कवर किया पाकिस्तान में? पाकिस्तान में सर बेसिकली हादसों की जितनी भी रेशो है उसकी एग्जैक्ट फिगर तो अभी नहीं बताई जा सकती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना 2007 से रावलपिंडी शहर के अंदर रेस्क्यू 1122 का आगाज़ हुआ और 2007 से जो है वो तमाम एमरजेंसीज, यानी कि आप कह सकते हैं कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, मेडिकल एमरजेंसीज और फायर एमरजेंसीज और डिज़ास्टर सिचुएशन में अगर फॉर एग्जांपल बिल्डिंग कोलैप्स होने के वाकयात हो सकते हैं और फ्लड की सूरत हाल के अंदर हम लोग रेस्क्यू 1122 जो है वो आप कह सकते हैं कि विद इन 7 to 10 मिनट्स रिस्पॉन्स टाइम को बरकरार रखे हुए हैं। अच्छा, आप लोग ट्रेनिंग्स देते हैं सर, क्या रिस्पांस आते हैं, कितने लोग सीख जाते हैं और कब से ये ट्रेनिंग्स आप लोग दे रहे हैं? बड़ा टाइम देते हैं आप, मतलब बाकी लोग होते हैं ट्रेनिंग्स देते थे बड़ा शॉर्टली दे देते, आपने तकरीबन कोई 2 घंटे लगाए। जी बिल्कुल सर, बेसिकली सर हमारा जो ट्रेनिंग का जो एक स्केड्यूल होता है ना वो 2 डेज़ का है, 2 to 3 डेज़ का हमारा एक स्केड्यूल है, लेकिन आवाम इतनी ज़्यादा टाइम नहीं दे सकती है। कल आप देख सकते हैं कि आप फॉर एग्जांपल किसी भी अगर हॉस्पिटल में जाते हैं, RIC को अगर आप ले लें, रावलपिंडी रावल रोड के ऊपर जो RIC हॉस्पिटल है, हार्ट हॉस्पिटल है, लास्ट टाइम मैंने उसका जब विज़िट किया तो पैरा आपका पीड सेक्शन जो है, पीड सेक्शन जो बच्चे जहाँ पे एडमिट किए जाते हैं वहाँ पे हार्ट अटैक की रेशो इतनी ज़्यादा थी कि बड़ों से ज़्यादा बच्चों की तादाद थी वहाँ पे, तो हार्ट अटैक की रेशो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो बढ़ चुकी है। और एक दूसरे को इन केस ऑफ हार्ट अटैक हम लोगों ने CPR किस तरह परफॉर्म करना है, हमने फ्रैक्चर मैनेजमेंट किस तरह करनी है, हमने वाउंड मैनेजमेंट किस तरह करनी है, इलेक्ट्रिक शॉक की सूरत में हम लोगों ने क्या ट्रीटमेंट करना है, पॉइजन इनटेक की सूरत में हम क्या करेंगे, स्नेक बाइट की सिचुएशन में हम क्या करेंगे, एक दूसरे की मदद जो है ना वो हम इसी तरह कर सकते हैं कि जब तक हम इन टॉपिक्स को हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग जो है ना वो हासिल की हो तो एक दूसरे की जान बचाई जा सकती है। फायर एमरजेंसी में हमने फायर फाइटिंग किस तरह करनी है उससे रिलेटेड हम लोगों ने अभी एक ट्रेनिंग सेशन भी करवाया और डेमोंस्ट्रेशन भी बाहर करवाई। ये जब तक आप कह सकते हैं ना कि प्रैक्टिकली परफॉर्म ना किया जाए तो कोई भी बंदा है इसमें आप कह सकते हैं कि अबूर हासिल नहीं कर सकता। ठीक है इमाद साहब, ये बताइएगा सबसे आपके एक्सपीरियंस कितना है इसमें, कितना काम, मतलब कितने साल हो गए आपको काम करते हुए रेस्क्यू में, और सबसे मुश्किल टास्क आपने कौन सा कम्प्लीट किया अब तक आपके कैरियर में? सर मैं बेसिकली 2009 में रेस्क्यू 1122 में आया था और आपको पता है कि रेस्क्यू 1122 की जो जॉब है, एक तो जॉब भी है और दूसरा दुआएं भी हैं। हम अगर किसी बंदे की अगर हेल्प करते हैं तो हमें स्पेशली जो है ना जो आखिरत में जाके जिस चीज़ का हमें आप कह सकते हैं ना कि प्लस पॉइंट मिलना है वो लोगों की दुआएं हैं। जी तो मुझे ये बताइएगा ये जो नौजवान हमारे साथ खड़े हैं, आपने कहा कि कल रात भी ये ड्यूटी पे थे, अब अभी तक स्टिल ये ड्यूटी पे, तो इनको मोटिवेशन कहाँ से मिलती है और ये इतने तगड़े एनर्जेटिक किस तरह रहते हैं? जी सर बिल्कुल, ये बेसिकली सर स्टूडेंट हैं और एज आ रेस्क्यू 1122 में एज आ वॉलंटियर भी साथ चल रही हैं और इंटर्नशिप भी कर रही हैं। ठीक है, और ये बेसिकली जो जवान आप देख रहे हैं जो बैक साइड के ऊपर जो खड़ा हुआ है, ये ड्यूटी कर रहा था क्योंकि ये कॉल सेंटर में जॉब करता है। आपको पता है कॉल सेंटर की जो शिफ्ट होती है वो सुबह 6-7 बजे तक होती है, तो उसके बाद फिर ये हमारे साथ PRN ट्रेनिंग विंग का भी एक हिस्सा बना हुआ है और पिछले तकरीबन 1.5-2 साल से ये रेस्क्यू 1122 के साथ चल रहा है और मुख्तलिफ हमारे साथ जाके अदारों में ट्रेनिंग सेशंस भी करवाता है और इंशाल्लाह इन फ्यूचर ये रेस्क्यू 1122 की जो भी वैकेंसी आएगी उसमें ये अप्लाई भी करेगा। और बाकी मोटिवेशन से रिलेटेड जो है ना वो हम ये गाइडलाइन प्रॉपर तरीके से बॉयज़ को देते रहते हैं ताकि इनकी उम्र बेसिकली ऐसी है कि ये इस टाइम अच्छा रास्ता अगर इख्तियार कर लेंगे या अच्छे ट्रैक के ऊपर चल पड़ेंगे तो इनकी लाइफ बन जाएगी, तो हम इनको जो है ना वो डी ट्रैक जो है ना वो कर होने नहीं देते। जो हमारे साथ जितने भी बॉयज़ अटैच हैं उन हमारी कोशिश यही है कि ये अच्छे रास्ते के ऊपर चलें और इंशाल्लाह रेस्क्यू 1122 का इन फ्यूचर में हिस्सा बने। बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, आपने इनके बातें सुनी, ये जहाँ भी ट्रेनिंग देते आप लाजमी इनको फॉलो करें, इनके जो आप जो जिस तरह भी इंस्ट्रक्शन देते, क्योंकि अगर आप इंसानियत की इंसानों के जान बचाते हैं ना तो आपको आखिरत में भी सिला मिलेगा और दुनिया भी में भी। तो नेक्स्ट प्रोग्राम तक अपने मेज़बान शिराज को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।